बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकल चुके हैं, लेकिन गठबंधन सरकार में शामिल सहयोगी दल इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। बिहार के दो कद्दावर नेता शिवानंद तिवारी और जीतन राम मांझी ने ठंड में यात्रा शुरू करने पर प्रश्न उठाया है। शिवानंद तिवारी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को नसीहत देते हुए कहा, अतिशय ठंड है, स्कूल वगैरह बंद कर दिए गए हैं, अस्पतालों में ठंड जनित बीमारियों से पीड़ित लोगों की आमद बढ़ गई है। ऐसे मौसम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। यात्रा की शुरुआत चंपारण से हुई है, जहां ठंड राजधानी के इलाके से ज्यादा होती है। यात्रा तो कहने के लिए तो मुख्यमंत्री की है, लेकिन यात्रा में मुख्यमंत्री जी के साथ सैकड़ों लोग जुड़े होंगे। उसमें कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनकी बीमारी ठंड में बढ़ जाती है। ऐसे लोगों का ठंड में खुले में निकलना बहुत जोखिम का काम है। एक वरीय सहयोगी के नाते सार्वजनिक हित में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस व्यक्तिगत रूप से इस यात्रा को स्थगित करने का मैं अनुरोध करता हूं। शिवानंद तिवारी के इस बयान के बाद इसका कई मतलब भी निकाला जा रहा है। कुछ लोग आरजेडी और जेडीयू के बीच बढ़ रही तलखी से इस मामले को जोड़कर देख रहे हैं, तो कुछ लोग इसे ठंड में शिवानंद तिवारी के द्वारा मुख्यमंत्री से एक सामान्य अपील बता रहे हैं। हालांकि शिवानंद तिवारी की नसीहत को नीतीश कुमार कैसे लेते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा।